आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th में या तो जाने वाले होंगे या अभी वो जस्ट निकल रहे होंगे, उनका एंडिंग बचा हो क्लास 11th का, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि कितने आवर्स ऑफ स्टडी इज इनफ फॉर अस। कई बच्चे ये पूछते हैं सवाल कि मैं कितने घंटे पढ़ूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस वीडियो में आपको डेफिनेटिव आंसर अकॉर्डिंग टू यू पूरी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो यार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू जेई। ऑल्सो हमारा जो जेई 2024 का कोर्स है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है, उस पर एक लॉन्च डिस्काउंट चल रहा है 50% टिल 17th of March। तो आप में से जो बच्चे अभी अभी 11th में आने वाले हो, 10th to 11th, इट इज़ द बेस्ट इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, एंड इस कोर्स से बढ़िया स्टार्ट तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है। इस कोर्स के अंदर आपको जेई के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, आपको भले लेक्चर्स चाहिए हो, आपका कोई चैप्टर पुराना रिवाइज करना उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डिटेल्स मैं एंड में बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं यार कि कितना हमें पढ़ाई कितने घंटे करना है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि यार क्या क्या चीज़ आपको करनी है। तो आपको 11th में तीन चीज़ें मेनली करनी है, पहला आपका स्कूल, दूसरा आपका कोचिंग और तीसरा आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में भी दो कंपोनेंट आ गए, एक तो है कि आपको जो चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है उसी का होमवर्क या उसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक और है कि आपका जो पुराना चैप्टर्स हैं वो आपका अगर रिवाइज करना हो आपको, जब आप थोड़े बाद में होगा, वो अभी नहीं होगा 11th में, अगर आप जस्ट शुरू हुए हो तब आपकी अभी तक कोई बनी नहीं है रिविजन की लिस्ट, राइट। लेकिन आप जैसे जैसे 11th के मिड में जाओगे पुराने चैप्टर्स आप भूलने लगोगे और आपको वो भी रिवाइज करने रहेंगे। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, स्कूल या कोचिंग में से कोई एक चीज़ उड़ जाती है, ठीक है, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई कोचिंग नहीं जाता है, किसी का कंबाइंड होता है, कोई लोग स्कूल में जाके कुछ और पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा अगर आप मैनेज करते हैं तो ठीक है, हमारे पास स्कूल कोचिंग में से चलो एक ही चीज़ बची। मान लेते हैं कि आपकी कोचिंग ऑन एवरेज दिन का 4 घंटा खाती है, ठीक है, स्कूल कोचिंग मिला के जैसा भी थोड़ा आपको मैनेज करना रहेगा। देखो अपन मान लेते हैं 4 घंटे के आसपास लगभग आपका स्कूल प्लस कोचिंग खा जाता है, ओके। अब इसके अलावा अब आप अगर बात करेंगे आपको कितना पढ़ना है, तो अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बहुत ही ज़्यादा टॉपर्स होते हैं आप कोटा में जाएंगे या कोई बहुत ही डेडिकेटेड एस्पिरेंट को देखोगे, वो क्लास 11th में ही 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा होता है। जो मुझे पता है आप में से कई लोगों को ऐसा लगे यार यार 10-12 घंटे पढ़ाई ये कैसे कर लूँ मैं, तो यार बच्चे करते हैं, लेकिन आपको उसको देख के घबराना नहीं है, आपको अपनी रेस में भागना है, ठीक है। तो आप देखिए कि आप कितने पे कंफर्टेबल है, क्या आप क्लास 10th में कितना पढ़ते थे, क्या आप दिन में 3 घंटा पढ़ते थे, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि यार चलो 3 या 4 घंटे अपन एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कई लोगों को लग रहा होगा 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट मच। तो 3-4 घंटे आपकी कोचिंग में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, ठीक है, आपको सर वगैरह पढ़ाएंगे, वहाँ पे अटेंशन बहुत अच्छे से पे करना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं क्लास में अटेंशन ही नहीं देते, भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ सबसे पहले करनी है। या आप जैसे अकेडमिक्स में एनरोल्ड हो तो आप हमारे लेक्चर्स देखते हो तो आपका फिक्स कर लो कि आप 3-4 घंटे हमसे पढ़ोगे, ठीक है, आप केवल चीज़ें सीखोगे कोचिंग में, ठीक है, आप और कुछ नहीं करोगे, ओनली पढ़ाई, मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं वो सुनना और नोट्स वगैरह बनाना, ये मैं गिन रहा हूँ कोचिंग के आवर्स, ओके। इवन अगर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसके हिसाब से, तो 3-4 घंटे आपको ये करना है, और आप 3-4 ही घंटे आप सेल्फ स्टडी में भी निकाल ले सकते हो। अब उसमें क्या निकालना है वो बता देता हूँ, कैसे क्या करना है। तो इन 3-4 घंटों में क्या क्या होना चाहिए, इस 3-4 घंटे में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको जो भी करंट चैप्टर चल रहा है उसकी सारी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप अगर हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारा आपने लेक्चर देखा लेट से NLM का, ठीक है, आप DPPs हमारी लगानी शुरू कर दीजिए, ठीक है, आप हमारे जो DPPs हैं जो हम क्वेश्चन देते हैं उनको सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस चैप्टर की, और वो चैप्टर एक बार आपके दिमाग में सील होकर बैठ जाए, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस बहुत सारी करें करेंट चैप्टर की। तो आप 3-4 घंटे इनिशियली तो ऐसे ही स्पेंड करोगे, क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में क्या होता है रिविजन तो कुछ है नहीं करने को, और उसमें आगे का क्या पढ़ लोगे आप, तो उसमें और उस समय क्या डिफिकल्टी बहुत आती है बच्चों की, एकदम से लेवल बढ़ा होता है 10th to 11th, राइट। तो वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हो ना, वो आपके बहुत 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 ज़्यादा हेल्प आती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप 11th में आगे जाओगे, जो बच्चे 11th एंड पर पहुँचे उनको मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग उस 4 घंटे में से पहली बात 4 का 5 करना पड़ेगा 11th के एंड तक जाते जाते, 4 घंटा या 3 घंटा 11th की स्टार्टिंग में चलता है। आप 11th की एंड में आओ ना, तब तक आपके सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ जाने चाहिए, आपके मिनिमम सेल्फ स्टडी के आवर्स 4 से 5 तो होने ही चाहिए। तो जो 5 घंटे हैं उसमें से 3 घंटे चलो आप करंट प्रैक्टिस करो, और 2 घंटे आपको रिविजन के डालने ही डालने पड़ेंगे, जिसमें 11th के जो पुराने छूटे हुए टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स आप भूल गए हो उनको आप रिवाइज किया करोगे, ठीक है। तो इस तरह से टेंडम में चलना है, एंड आपको अपना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। जो बच्चा 11th में जस्ट आने वाला है ना, अभी 10th to 11th जिनका है, आप लोगों को मैं कहूँगा आप 3 घंटे सेल्फ स्टडी तो मिनिमम करो ही करो, ठीक है, जिसमें आप करेंट जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये लगभग 6 से 7 घंटे की स्टडीज हो गई कोचिंग का प्लस सेल्फ स्टडी मिला के, इट इज़ नॉट टू मच यार, दिन में 24 घंटे होते हैं,
जिसमें से चलो 10 घंटे तुम निकाल भी लो खाने पीने नहाने धोने सोने के, तो भी 14 घंटे बच रहे हैं जो हमारे पास पूरी तरह से फ्री है। उसमें से केवल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 7 घंटे दे रहे हैं, 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको इस 7 आवर्स को 10 आवर्स 12 आवर्स भी करना पड़ेगा, तो रेडी रहिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है जेई प्रिपरेशन में, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अपना समय बचाए, क्योंकि आपको बाद में एनसीईआरटी भी रिवाइज करनी है, बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे, पुरानी बैकलॉग्स भी इकट्ठा होंगी, बहुत चीज़ें होंगी, है ना। तो आपको अकेडमिक्स के 2024 कोर्स में अवश्य एनरोल होना चाहिए, ठीक है। इस कोर्स पर आपको 17th of मार्च तक 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, लॉन्च डिस्काउंट है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल डिस्काउंट जो हम मंथली लॉन्च करते हैं। इसके अंदर आपको लॉन्च पे ही डायरेक्ट हाफ रेट पर ये चीज़ हम दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आ पाए। आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए जेई के लिए सब मिल जाएगी। स्पेशली अगर आप, इवन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तब तो ये बहुत हेल्पफुल है ही है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको पूरा कोचिंग का ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इट इज़ अ फुली फ्लेश्ड कोचिंग, जिसमें आपको सब कुछ, एवरीथिंग यू नीड फॉर जे आपको मिलेगा। और इवन अगर आप किसी और जगह जाते हो, आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या कहीं ऑनलाइन आप लाइव लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड करते हो, वहाँ पे क्या होता है कई बार बच्चों का चैप्टर समझ में नहीं आता है वहाँ से, या फिर वो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास वगैरह में क्या होता है, बच्चे चलो एक साथ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मतलब ऐसा माहौल बन जाता है कि जो बहुत होशियार बच्चे उनको समझ में आ जाएगा, और कई बच्चों को नहीं भी आता है, देखो, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन में, तब एकेडमिक्स विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल, इट विल बी अ बून फॉर यू, क्योंकि आपको कोई चीज़ वहाँ से समझ नहीं आई, आप हमारे लेक्चर्स खोल सकते हो, हमारी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बहुत अच्छा सब क्लियर हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड टूल टू हैव इन योर आर्सेनल ऑफ जे प्रिपरेशन। तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल हो सकते हो, और आपको जेई के लिए फ्री नोट्स तो हमारे ऐप पर अवश्य मिलते ही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर तो सभी जाएंगे। और आपको अगर कोर्स चाहिए हो 17th of मार्च से पहले पहले आप उसके अंदर एनरोल हो जाइए, 17th मार्च या उससे पहले, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो। मैंने आपको ये बोला कि आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे से शुरू करना है, और जैसे जैसे आप 11th के एंड में जाओगे, आपको उस घंटे को 5 के आसपास पहुंचाने की कोशिश करनी है। 12th में 6-7 करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी को, ठीक है। अब इसमें आप जो करंट चैप्टर पढ़ रहे हो, वो आप अपनी कोचिंग में या ऑनलाइन जैसे भी पढ़ते हो, 3 से 4 घंटे आप वो करेंगे, और 3 से 4 ही घंटे आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ओके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके पुराने चैप्टर्स की बैकलॉग या रिवीजन लिस्ट बनती जाएगी, तो आपको 1 से 2 घंटा धीरे धीरे वहाँ पे भी डालना रहेगा 11th के एंड तक। और जैसे जैसे आप 12th में जाओगे, 50-50 हो जाएगा कि 50% ध्यान अभी की चीज़ पे देना है, 50% ध्यान पुरानी चीज़ों पर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको जितने भी लिंक्स चाहिए सोशल मीडिया वगैरह के, कोर्सेज वगैरह के, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। गुड लक।